8 दिनों के बाद धूप के दर्शन हुए, साथ में बर्फ़ के भी, क्योंकि हिमालय की चोटी बर्फ़ से गदगद हो चुकी है। बाकी इस गर्म के समय में पहाड़ों में इतनी ज़्यादा मात्रा में बर्फ़ देखने को मिलती है। बाकी नज़ारे देख सकते हैं, यह है मेरा प्यारा सा गांव रात ही। यहाँ पे जो पेड़ दिख रहे हैं, ये हमारे पुष्कर होनेनाथ देव का मंदिर। बाकी नज़ारे आज के दुहू गाँव पालिका नेपाल का, और काफ़ी क्लियर व्यू नज़र आ रहा है। बाकी आज का मौसम, इस तरह के नज़ारे आपको देवभूमि उत्तराखंड में ही देखने को मिलेंगे। पहाड़ पे टावर भी दिख रहा है और काफ़ी खूबसूरत नज़ारे दोस्तों आज के। वाव, इस तरह से बनाती है मेरी मम्मी ईजा। बाकी पहाड़ों के खूबसूरत से मिट्टी के जो चूल्हे होते हैं, मिट्टी के घर, उनमें इस तरह से लकड़ियाँ रखने के लिए भाड़ा बनाया जाता है, जिसमें बरसात के समय में अतिरिक्त लकड़ियाँ रहती हैं। ये दोस्तों इस तरह से बनाई जाती हैं रोटियाँ, ये पहाड़ में होता है, इसे थेलना पथना बोलते हैं। और ये देखो, इसमें घी भी लगाया जाता है। तो जो भी लोग गांव घर से बाहर रहते हैं, उन लोगों को अपने घर की ज़रूर याद आ रही होगी, और हर कोई अपने माँ के हाथ का खाना खाना चाहता है। हर कोई आदमी शाम शाम को घर में बना खाना नहीं खाता है, क्योंकि सारे लोग शहरों में रहते हैं। बाकी इस तरह से बनाई जाती है, देखो रोटियां, ये पराठे बोल सकते हैं हमने इस तरह से। बाकी चूल्हे में बन रही है। राधे, जय श्री राम, जय देवभूमि उत्तराखंड। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है धीरज और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड व पड़ोसी देश नेपाल के इन खूबसूरत से पहाड़ों से। दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है तकरीबन 5:30 बजे से, और आज का मौसम ना क्या ही बोले, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो रखा है। बाकी 7-8 दिनों के बाद आज जाकर के बारिश थमी है, तो नज़ारा देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत। मानो ऐसा लग रहा है जैसे एक खूबसूरत सी घाटी में हम आ चुके हैं। बाकी नज़ारे देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा शानदार है दोस्तों। और अभी का जो क्लियर व्यू ना, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आज जाके शाम को, कई दिनों बाद बोले तो 7-8 दिन के बाद, हल्की सी धूप के दर्शन हो रहे हैं। बाकी हिमालय पे काफ़ी बर्फ़ पड़ चुकी है। बाकी नज़ारे देख सकते हैं गांव के साफ सुथरे, एकदम क्लियर व्यू ये देख सकते हैं, शानदार से नज़ारे आपको नज़र आ रहे हैं। बाकी इस तरह के नज़ारे आपको देवभूमि उत्तराखंड में ही देखने को मिलेंगे। बाकी नेपाल का ये गांव, काफ़ी खूबसूरत नज़ारे देख सकते हैं आप, काफ़ी क्लियर व्यू आप लोगों को दिख रहा है। बाकी यहाँ पे नीचे साइड जो ये नदी है, ये भारत और नेपाल को 2 भागों में जोड़ती है। बाकी शाम के नज़ारे ना आज के काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हैं। आज 8 दिन के बाद बड़ी मुश्किल से धूप के दर्शन हुए, बाकी शाम के समय पे। और ये देख सकते हैं इस पहाड़ पे टावर भी दिख रहा है, और काफ़ी खूबसूरत नज़ारे दोस्तों आज के। वाव, अमेजिंग आज शाम का नज़ारा दोस्तों। 8 दिनों के बाद धूप के दर्शन हुए, साथ में बर्फ़ के भी, क्योंकि हिमालय की चोटी बर्फ़ से गदगद हो चुकी है। बाकी इस गर्म के समय में पहाड़ों में इतनी ज़्यादा मात्रा में बर्फ़ देखने को मिलती है। बाकी नज़ारे देख सकते हैं, यह है मेरा प्यारा सा गांव रात ही तल्ला गांव, और अलग अलग कस्बे हैं। यहाँ पे जो पेड़ दिख रहे हैं, ये हमारे पुष्कर होनेनाथ देव का मंदिर। बाकी नज़ारे आज के जो शाम के हैं, वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और रोचक भी हैं। बाकी हिकिला को पूरे कोहरे ने कवर कर रखा है। बाकी दोस्तों ये है आपका दुहू गाँव पालिका नेपाल का, और काफ़ी क्लियर व्यू नज़र आ रहा है। बाकी आज का मौसम, सुबह से बारिश थी लेकिन शाम को मौसम अब खुल गया है लगभग। कल से धूप देखने को मिलेगी, क्योंकि आज 8 दिनों के बाद हल्की फुल्की धूप देखने को मिली हुई है। दोस्तों आज जाके 8 दिन हुए हैं और तब जा कर के हमें धूप के दर्शन हुए। बाकी इंडिया में तो धूप अभी नहीं है, क्योंकि शाम के 5 बज रहे हैं, शाम के 6 बज रहे हैं। तो नेपाल के इन पर्वतों पे धूप देखने को मिल रही है, बाकी कोहरा भी छाया हुआ है। और
मेरे गांव का जो क्लियर व्यू आप लोगों को नज़र ज़रूर आ रहा होगा। और सभी लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था, क्योंकि 7-8 दिनों से रात दिन बारिश ही बारिश हो रही थी, और तब जाके आज 8वें दिन शाम को मौसम खुलने लगा है। बाकी प्यारा सा नज़ारा आप लोगों को ज़रूर नज़र आ रहा होगा। बाकी मानसून के आने के बाद खेती में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। बाकी यहाँ पे जो खेती सूखने के कगार पर थी वो थोड़ी जा कर के अच्छी हुई है। बाकी जो सूख रहे थे वो भी अब सारे खेत हरे हो चुके हैं, चारों तरफ हरियाली नज़र आ रही है। और ये देख सकते हैं, इन खेतों में कुछ भी नहीं दिख रहा था, बाकी बारिश होने के बाद देख सकते हैं सारा खेत धान की खेती से भर गया है। बाकी देख सकते हैं चारों तरफ हरियाली और नज़ारे शाम के काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हैं दोस्तों। और ये आदि कैलाश वाली घाटी तो आज काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, क्योंकि बर्फ़ भी देखने को मिल रही है और साथ में कोहरा भी। बाकी ये नज़ारे का और अभी का मौसम देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्यारा हो चुका है। बाकी आसमान भी खुल रहा है और यहाँ से हिमालय की चोटी भी साफ दिख रही है, बोले तो बर्फ़ से लदगद। और बाकी धूप भी ढलने वाली है, धूप आज सिर्फ उन्हीं पहाड़ों पे देखने को मिली है, क्योंकि अभी अभी धूप के दर्शन हुए हैं। बाकी नज़ारे देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा शानदार, और गाँव की रौनक और भी बढ़ गई है इस खूबसूरत के मौसम से, इस खूबसूरत से मौसम के कारण। दोस्तों अभी मैं आया था पानी लेने, बाकी पानी को भर दिया है। बाकी ना जो प्राकृतिक रूप से शुद्ध पानी के धारे वहीं से पानी लाने के बाद हम पीते हैं। बाकी अभी बज चुके हैं 7 और अंधेरा होने वाला है, 7:30 बजे अंधेरा होता है। बाकी 7 बज चुके हैं। ओ भाई, और नज़ारे देख सकते हैं, इतने खूबसूरत नज़ारे ना, वाओ अमेजिंग। और चारों तरफ हरियाली। बाकी इस पानी के जार को धारे से भर लाने के बाद मैं पहुंचने वाला हूं दोस्तों अपने घर में। तरफ नज़ारे देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। दोस्तों देख सकते हैं 7 बज गए और मेरी माता जी की तैयारी हो चुकी है रोटी बनाने में। ओ भाई, यहाँ पे आटे को गूंथने के लिए तैयारी की जा रही है। बाकी इसको सबसे पहले छाना जाता है और पहाड़ी चूल्हे में लगा दिया है सब्जी, शायद हरी हरी सब्जी। वाह भाई वाह, ओ या हाथ जल गया है। बाकी इसमें सब्जी लग चुकी है और अब इसमें रह गया मंडुआ मिलाना। बाकी मंडुआ काफ़ी सेहत के लिए लाभदायक रहता है, तो ये देख सकते हैं मंडुए को इस तरह से मिक्स किया जाता है, जिसके बाद मंडुए की रोटियां बनती है। गेहूं और मंडुआ मिक्स करके बनाया जाता है रोटियां। और पहाड़ी किचन जो मिट्टी से बने होते हैं। और बाहर देख सकते हैं बाहर का नज़ारा भाई, ये औसम बाहर का खूबसूरत सा नज़ारा। तो देखिए अब इस तरह से आटे को गूंथा जाता है बढ़िया तरीके से, और उसके बाद रोटियां बनती हैं। और एक बड़ा सा परात है और इसमें हम रोटियां बोले तो बनाने के लिए आटा गूंथते हैं, और बढ़िया सा मडुआ और गेहूं की रोटियां बनती हैं। और ये देख सकते हैं इस तरह से बनाती है मेरी मम्मी ईजा। बाकी पहाड़ों के खूबसूरत से मिट्टी के जो चूल्हे होते हैं, मिट्टी के घर, उनमें इस तरह से लकड़ियाँ रखने के लिए भाड़ा बनाया जाता है, जिसमें बरसात के समय में अतिरिक्त लकड़ियाँ रहती हैं। देखिए दोस्तों इस तरह से बनाई जाती हैं रोटियाँ, ये पहाड़ में होता है, इसे थेलना पथना बोलते हैं। और ये देखो इसमें घी भी लगाया जाता है। तो जो भी लोग गांव घर से बाहर रहते हैं उन लोगों को अपने घर की ज़रूर याद आ रही होगी, और हर कोई अपने माँ के हाथ का खाना खाना चाहता है। हर कोई आदमी शाम को घर में बना खाना नहीं खाता है, क्योंकि सारे लोग शहरों में रहते हैं। बाकी इस तरह से बनाई जाती है देखो रोटियाँ, ये
पराठे बोल सकते हैं हमने इस तरह से। बाकी चूल्हे में बन रही है ये पराठे, इतने ज़्यादा ना शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहते हैं, पौष्टिक भी होते हैं। बाकी पहाड़ी चूल्हे से चूल्हे में बनता हुआ खाना ये। तो शाम का समय हो चुका है, बाकी जो अभी हमारे लिए डिनर बन रहा था वो तैयार हो चुका है और खाने की तैयारी भी पूरी हो चुकी है। बाकी इसमें बने हैं मडवे के पराठे जो काफ़ी ज़्यादा सेहत के लिए लाभदायक रहते हैं। बाकी इन खूबसूरत से खाने का आनंद लेते हैं। और ये हरी सब्जी है और उसके साथ आलू मिक्स है, बाकी ये रोटियाँ हैं और पहाड़ी किचन है। और ये देखो मिट्टी से बनता है पहाड़ में किचन। बाकी खूबसूरत सा परिवार के साथ डिनर करते हैं और उसके बाद